देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो था, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमने किसके इक्वल कर दिया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को मैंने रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल कर दिया। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल कर दे तो ऐसी टर्म मतलब एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो इस चीज को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब मैं सिंपली वेपर प्रेशर को डिफाइन करती हूँ कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अगर मैं बोलूँ कि वेपर प्रेशर सिंपल क्या होगा कि वेपर्स का प्रेशर, बेटा वेपर्स जो आपके प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, नियर इट्स सरफेस, लिक्विड की सरफेस के पास, उस प्रेशर को आप वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड नियर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को आप बोल देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जो भी वेपर आपके लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करने के बाद, आप उस कंडीशन को बोल देते हैं कि वो क्या है, उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो वेपर प्रेशर वही कंपोनेंट्स लगा सकते हैं जो कि वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे आपके, है ना, जैसे कि वॉलेटाइल कंपोनेंट, जैसे कि आप एसीटोन, जो आपका नेल पेंट रिमूवर होता है ना, एसीटोन से ही बनता है वो भी ऑलमोस्ट। ठीक है, आप नेल पेंट रिमूवर को खोल के रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो सारा का सारा उड़ गया है ना, एस्केप हो जाएगा अपनी बोतल में से। तो इसका मतलब क्या है, वो कंपोनेंट क्या है आपका, बहुत बहुत ही जल्दी वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ही जल्दी एस्केप हो गया, ऐसे कंपोनेंट्स को हम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को एक ग्राफ से समझते हैं, आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये एक्स, आप वाई एक्सिस पे लेंगे रेट, वाई एक्सिस पे आपने रेट लेना है, एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेंगे, रेट और टाइम के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो है, लेकिन जैसे ही इवेपोरेशन कांस्टेंट थी तो कंडेंसेशन पहले तो जीरो थी, जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जैसे ही रेट बढ़ा कंडेंसेशन बढ़ती गई, एक टाइम के बाद ये कंडेंसेशन आपकी इवेपोरेशन के बराबर हो गई, हुई कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और इस ये जो ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज रेट ऑफ, इसको बोलेंगे इवेपोरेशन, ये आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन है। अब देखिए रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन एक पॉइंट पे आके मिल गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट, और इक्विलिब्रियम पे इन दोनों प्रोसेसेस को नया टर्म दे दिया जाता है, दैट इज वेपर प्रेशर दे दिया जाता है। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हुई तो मैं ये लिख सकती हूँ, वाई लिक्विड जब कन्वर्ट हुआ आपके वाई गैसेस के अंदर, वाई मैंने कोई भी कंपोनेंट ले लिया है, ठीक है, और कब कन्वर्ट हुआ, जब मैंने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अप्लाई करी, तो ये क्या बन गया इसका पी एक्स गैस, है ना, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो पीएक्स को हम, पीएक्स को और मैं क्या लिख सकती हूँ, पीएक्स गैस को मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, प्रेशर जो भी है, प्रेशर ऑफ एक्स गैस, कौन सी गैस का, एक्स गैस का प्रेशर, या फिर हम इसको और ये भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर। ये जो चीज समझनी है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पीएक्स गैस क्या होगा, मैंने क्या बोला प्रेशर ऑफ एक्स गैस, ठीक है, प्रेशर, हम इस टर्म को पीएक्स को प्रेशर ऑफ एक्स गैस भी बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी बोल सकती हूँ। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो आपके पास कंडीशन आई वो क्या है कि प्रेशर ऑफ गैस और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सेम कैसे हुआ, देखो जब मैंने आपको यहां पर एक वो कंटेनर दिखाया था, वहां पर मैंने आपको लिक्विड दिखाया था, तो उस लिक्विड के अंदर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो एस्केप करके आपके वेपर फेज में चले गए थे। जब वो वेपर फेज के अंदर वो मॉलिक्यूल चले गए तो लिक्विड से गैसीय स्टेट में गए, ठीक है, तो लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होगा,
होगा कि नहीं, और वहीं पर जो ये वेपर में चेंज हो गए इनका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ गैस होगा, क्योंकि अब तो ये वेपर्स बन गए और यहां से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो पीएक्स गैस जो होता है वो आपका प्रेशर ऑफ एक्स गैस और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है। क्लियर है ये बात? ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि के इक्विलिब्रियम, यहां पर अगर आपको के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो के इक्विलिब्रियम जो है गैस का वो किसके इक्वल होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ कि सिंपली आपको के इक्विलिब्रियम आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो के इक्विलिब्रियम आपके पास जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, पीएक्स गैस के इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि पीएक्स गैस किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम तो तभी अटेन होगा जब वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब हमें वैल्यू निकालनी होगी तो वो आपके पीएक्स गैस के प्रेशर ऑफ गैस या फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक ही चीज है, जब वेपर प्रेशर लगेगा तभी आपका वो लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज होगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर आप डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपराइजेशन जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि लिक्विड जो है आपका वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट, इस वजह से। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, है ना, वेरिएशन पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपने क्या लिखना है कि लॉग पी टू अपॉन पी वन, ठीक है, जो भी आपने प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 आर इनटू 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका वेपर प्रेशर, जो भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है उसको डिफाइन कर रही है। ओके, अब यहां पर आपका वेपर प्रेशर का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी आपने सीख ली कि वेपर प्रेशर हम कब बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वेपर प्रेशर को अफेक्ट